उत्तर प्रदेश के उन्नाव में देर शाम जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में अचेत हालत में तीन किशोरियों के मिलने से हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पर वहां पहुंची पुलिस ने तीनों को CHC भेजा, जहां डॉक्टर ने दो लड़कियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक किशोरी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना पाकर SP एडिशनल SP समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। घटना असोहा थाना क्षेत्र के बबुराहा जंगल की है। बताया जा रहा है कि तीनों किशोरियां जानवरों के लिए चारा लेने के लिए घर से निकली थी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। उन्नाव पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा कि असोहा थाना क्षेत्र में तीन लड़कियां अपने ही खेत में बेहोशी की हालत में मिली। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो की मौत हो गई और एक को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने कहा कि प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियां घास काटने गई थी, घर वालों ने नहीं मिलने पर ढूंढा तो खेत में मिली। ये भी देखा गया है कि घटना स्थल पर झाग पड़ा था, डॉक्टर ने भी जहर की बात कही है। अन्य सभी घटना स्थल पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज करके जांच की जा रही है। वहीं उन्नाव की घटना पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि उन्नाव में तीन दलित लड़कियां खेत में दुपट्टे से बंधी मिली है, दो की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर है। हवाबाज मुख्यमंत्री हवाबाजी वाले विज्ञापन से प्रदेश में अपराध कंट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री आवास बुलाकर और मुआवजा, नौकरी और सरकारी सहायता देकर मामले को रफा दफा ना करें, मामले की गंभीरता से जांच हो और बेटियों को न्याय मिले। इधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और MLC सुनील साजन ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की घटना ने एक बार फिर से सबको शर्मसार कर दिया है। अब ये बात साफ हो गई है कि पिछड़े दलित की बेटियां सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में कोई भी किसी बहू बेटी की इज्जत और अस्मत लूट ले रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनी है। बताया जा रहा है कि उन्नाव पुलिस पूरे घटनाक्रम को दबाना चाहती है। जिस तरह से दो बेटियों की डेड बॉडी को लेकर उन्नाव पुलिस व्यवहार कर रही है, उसे प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत अपने आप साफ होती जा रही है। एक अलग पैनल बनाकर पूरे मामले का पोस्टमार्टम होना चाहिए और अलग टीम से पूरे मामले की जाँच करवानी चाहिए।